इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बहुत सिंपल इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन है और लिक्विड एंटर कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन, और सेकेंड एरिया इसका ए टू है और बाहर निकल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टू, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड एंड वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, दोनों में सेम। और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है, ए वन वी वन और ए टू वी टू। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज ए वन वी वन इज ए टू वी टू, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। क्लियर है? तो वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड विल रिमेन सेम। और ऐसा भी हो सकता है अगर मैं सिर्फ डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास। तो मास एंटरिंग पर सेकेंड एंड मास कमिंग आउट पर सेकेंड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये याद रखना है आपने। इसमें एक चीज और याद रखें, क्योंकि ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, तो यहां से वी टू बाय वी वन इज इक्वल टू ए वन बाय ए टू। तो आप एक चीज बताएं मुझे कि अगर आपने यहां का एरिया छोटा कर, चलो इसकी बजाय ऐसे करते हैं, चलो ये बताओ एरिया इंटू वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, सिंपल। अगर मैं आगे का एरिया छोटा कर दूं तो पानी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट तो कॉन्स्टेंट ही है। तो आप जब गार्डनिंग या कार धो रहे हैं तो पाइप है, पाइप का आगे हाथ रख लेते हैं, पानी एकदम तेज जाता है, क्यों, क्योंकि एंटर करने का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड तो उतना ही है, बाहर भी वैसे ही निकलना है। अगर आप एरिया छोटा कर देंगे तो उतनी ही तेज वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा, सही। पिचकारी क्या होती है, यही तो होती है, पिस्टन लगा होता है तो आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, आगे होल रखा जाता है बहुत पतला, क्यों, एरिया जितना छोटा होगा उतनी तेज पानी आगे जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, राइट, और कुछ करना नहीं है इसमें।